पहली बार ये प्रोग्राम हो रहा है, आपके मन में सबके ये सोचता होगी कि ये प्रोग्राम क्या है, क्या होगा, कैसे होगा, एक मन में प्रश्न सभी के रूप से आ रहा होगा। ये प्रोग्राम बिल्कुल अनोखा है। वैसे तो आप लोग अपने घर में, अपने जीवन में आपकी जो जरूरत हो रही है, सभी को पूजा अर्चना जाप व्रत ये सब करते आ रहे हैं, कथा भी पढ़ते आते हो, सुनते आते हो, इन सब चीज़ों से एक अपने ईश्वर जिनको भी आप मानते हो उनके प्रति एक इन सब चीज़ों से एक अपने ईश्वर के प्रति जिसको आप मानते आ रहे हो श्रद्धा होती है, मन में शांति मिलती है। लेकिन किसी देखते हैं वापस थोड़ी देर बाद नहीं पहुँचाते हो, या पूजा कर रहे हो, व्रत कर रहे हो, कोई भी पठन कर रहे हो, पढ़ना नहीं पढ़ रहे हो या सुन रहे हो, तो मन अपनी अपनी परेशानी में घूमता रहता है। यानी कि जिसके शरीर में बीमारी है अपनी बीमारी की तरफ घूमता रहेगा, जिसके व्यापार में ठीक नहीं चल रहा है उसका वहाँ घूमता रहेगा, जिसके संतान नहीं है, है तो वो परेशान कर रही है वहाँ घूमता रहेगा, तो इसके रिश्ते खराब है। यानी जीवन में एक कष्ट नहीं है, एक परेशानी नहीं है, अनेक प्रकार की परेशानियाँ हैं, कष्ट हैं, बीमारियाँ हैं, तो ये सब करते करते आपकी उम्र निकल जाती है। लेकिन परेशानियाँ कष्ट बीमारियाँ आपकी छठ होती हैं, कष्ट परेशानियों को तो हम बाद में लेंगे क्योंकि वो जीवन में अहमियत तो रखती हैं, लेकिन इतनी अहमियत नहीं रखती जितना कि तंदुरुस्ती करता है। तो कष्टों परेशानियों का निवारण भी आप लोगों का होगा, लेकिन वो आपका पक्षों यानी विवाद होगा, जिसमें भी आपकी कष्ट हैं, परेशानियाँ हैं, किसी भी प्रकार की हैं, उसको आप दूर कर सकते हैं। लेकिन कष्ट परेशानियों को दूर करने से पहले क्या चाहिए, जो सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा धर्म जीवन में क्या है, ये तन। अगर तन स्वस्थ है तो इसके ऐसा धर्म कोई नहीं है। अगर तन में बीमारी है, तन नहीं चल रहा है, तो जीवन में कुछ अच्छा नहीं लगता। उस समय सबसे बड़ी इच्छा क्या होती है, ये मेरा घुटना ठीक हो जाए, ये मेरा बुखार ठीक हो जाए, ये मेरा दांत का दर्द ठीक हो जाए, ये मेरा कमर का दर्द ठीक हो जाए, यानी कि जो भी आपके शरीर में बीमारी है उससे निजात पाने की आपकी इच्छा होती है। व्यक्ति को अगर एक दिन का बुखार हो तो अच्छा लगता है, अगर उसको 15 दिन भी या 1 महीना भी बिस्तर में पड़ना पड़े तो उसको अच्छा नहीं लगता, वो सोचता है पता नहीं कितना टाइम हो चुका है मेरे पलंग पर पड़े हुए कि काश मैं बाहर जाऊँ, उठूँ, बैठूँ, मिलूँ, अपने काम कर जाऊँ। जो काम करते हैं उनको डर होता ही है कि काम का मजा होता है, लेकिन जो काम नहीं करते हैं उनका भी कुछ न कुछ किसी न किसी प्रकार का हर्जा होता है। तो आज और कल ये जो 2 दिन हैं, इन 2 दिनों में आपके अपने बीमारियों से आपको मुक्ति मिलेगी। आप सोच रहे होंगे कि बीमारियों से कैसे मुक्ति मिल जाएगी, माता जी कोई दवा देंगे क्या, लेंगे फिर भी हमें खानी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा जिससे हमें मुक्ति मिल जाएगी। आपको ना कोई दवा मिलेगी ना कुछ मिलेगा, एक नेचुरल जो चीज़ है वो आपको मिलेगी। यानी कि
ईश्वर का अंश हर जीव में है और मनुष्य में जीव है। आपके अंदर जो अंश है वो उस परमात्मा का है। उस परमात्मा को आप किसी भी नाम से पुकारो, राम कृष्ण शिव जी किसी भी नाम से आप पुकारो, है तो परमात्मा एक ही, उसका अंश आपके अंदर है और आपका शरीर ये पांच भूतों से बना है, यानी पांच तत्वों से बना है, धरती जल अग्नि और तो ये पांच चीजें मिलकर के शरीर को बनाती हैं। जब व्यक्ति के शरीर में इनमें से किसी भी एक चीज की, दो की या तीन की कमी होती है तो उससे संबंधित उसके शरीर में बीमारियां आती हैं। कमी कैसे होती है वो आपके किसी भी कारण से हो सकती है, आपके खान पीन की वजह से, आपके चावल की वजह से, आपके कर्मों की वजह से, आप जिस माहौल में रह रहे हैं उस वजह से, किसी भी वजह से उनमें कमी आ सकती है या वहाँ पर एक एनर्जी ज्यादा हो गई है जिसको कि प्राण ऊर्जा कहते हैं, जो कि आप अपनी सांस के द्वारा लेते हो, अपने मेटीरियल के द्वारा आप नेचुरल लेते हो, क्योंकि वह सिस्टम ईश्वर ने हर चीज में नेचुरल बनाया है। आप खाते हो जो भी भोजन हो या पानी ग्रहण करते हो पेट में, लेकिन वो चलाकर तो पूरे शरीर को है। जल जैसे कि पेड़ के जल में दिया जाता है, आप एक एक जल देखते तो नहीं हो ना कि धरती के अंदर ये जल कहाँ डाली है, कहाँ कहाँ की जल अंदर डाली है, तो बल्कि उसी जल में आप जल नहीं, आप तो केवल तली में मिट्टी में जल डाल देते हो, वहीं पर खाद डाल देते हो और वो सारी जड़ों में जाता है, उन जड़ों के सारे एक एक टहनी में और एक एक पत्ती में और फल में फूल में सभी को निकल जाता है। ऐसे ही हमारे शरीर में है, हमारे शरीर भी एक पेड़ की तरह ही है कि हम जो कुछ भी इसमें एक नेचुरल लेते हैं, क्योंकि खाली पेड़ खाद और पानी से तो नहीं बड़े होते, उन्हें एक नेचुरल भी पांचों तत्व चाहिए, उन्हें भी पांचों तत्व चाहिए। जैसे आपको क्या पांचों तत्व चाहिए, ऐसे हर एक जीव को पांचों तत्व चाहिए। जिन भी पांचों तत्व में किसी भी जीव में कमी आती है वो भी वो बीमार होता है। आपके देखेंगे पेड़ पौधों में भी कीड़ा लगता है, पेड़ पौधे भी बीमार होते हैं, वो भी सूखते हैं, उनकी भी मृत्यु होती है, इंसान की भी नहीं होती, सभी की होती है। तो ये पांचों तत्व आपके कहाँ है, अंदर है और बाहर भी है, लेकिन आपको पता नहीं है कि हम खाने पीने के अलावा बाहर से हम इन पांचों तत्वों को कैसे दें। ये आपको नहीं मालूम कि मेरे अंदर कौन सा तत्व देख रहा है, ब्लड टेस्ट का लैब है, स्टोन टेस्ट की लैब है और भी कैट स्कैन है और कितने सारे टेस्ट निकल चुके हैं, सबके लैब हैं, लेकिन पांच तत्व की लैब नहीं है, क्योंकि ये पांच तत्व किसने बनाए हैं, वो सुपरवाइजर है और इसके लैब भी उसी के पास ही है। इंसान के कोर्स में इतनी बुद्धि ही नहीं होगी, इतने साधन ही नहीं होगी कि वो उसकी लैब बना सके। तो ये पांचों तत्व जो आपके अंदर कम हो गए हैं, ये पांचों तत्व आपको यूनिवर्स से ही लोगे। आपके अंदर एक हीलिंग पावर है, हर चीज में होती है, लेकिन वो उसको जानता नहीं है, पहचानता नहीं है, और जब जानेगा नहीं पहचानेगा नहीं तो उसका प्रयोग कैसे करेगा। जब किसी को जानोगे ही नहीं, जैसे एक बच्चा है या महिला है वो जानते ही नहीं है कि रोटी कैसे बनेगी तो कैसे बनाएगी, नहीं बना सकते। जैसे ही आटा में पानी डालेंगे पानी कम हो जाएगा, इधर उधर हो जाएगा, जब भूले नहीं तो रोटी कहाँ से बनेगी। एक बच्चा पूछता है कि रोटी कहाँ से
फिर उसकी दूध नाम जो नाम को अलग अलग से देखता है कि इसमें रोटी कहाँ है, इसमें तो मुझे रोटी ही नजर नहीं आ रही है, तो रोटी कट तो बन जाती है इसकी। लेकिन जो उसको जानता है कि इससे गेहूँ के नाम से कैसे रोटी बन जाएगी, तो उसको मालूम है। तो ऐसे ही आपके अंदर वो शक्ति छुपी हुई है, एक पावर है, लेकिन उसको आप जानते नहीं हो, समझते नहीं हो, पहचानते नहीं हो, इसलिए उसका उपयोग नहीं कर पाते। जिनसे उसको जान लोगे, पहचान लोगे, उसका उपयोग करने लग जाओगे, तो ये शरीर आपका बिल्कुल स्वस्थ होगा। आपने देखा होगा कि प्राचीन में काल में ऋषि मुनि होते थे, उनको ना भूख लगती थी, ना प्यास लगती थी, ना ज्यादा नींद आती थी, लेकिन उनके शरीर से वो बहुत जवान लगते थे, लेकिन उम्र उनकी ज्यादा होती थी। तो वो सब क्यों, किस लिए? क्योंकि जब वो तपस्या करते थे, साधना करके, उन्होंने जान लिया कि मेरे अंदर ये पावर है, ये शक्ति है, उसका उन्होंने उपयोग किया, तो उनकी शारीरिक ऊर्जा बढ़ गई। और जब शारीरिक ऊर्जा बढ़ी, पांचों तत्व बैलेंस हुए, तो फिर बीमारी भी दूर हो गई और फिर शरीर भी बुरा नहीं हुआ। क्योंकि बुरा कब का पता है? जब शरीर में आपके कमियां शुरू हो जाती हैं, वीकनेस शुरू हो जाती है, आप देखते हैं कि आप कोई साधना नहीं करते, आप इस चीज को नहीं जानते, लेकिन फिर भी आप अपने रिश्तेदारों में, मित्र घर में, अपने परिवार में निगाह बढ़ाए, अपना दिमाग बढ़ाए, देखें कि कोई व्यक्ति 35 साल में ज्यादा बीमार है या बूढ़ा लगने लग गया है या व्यस्त लगने लग गया है, कोई 60 साल की में भी नहीं लगता, किसी के 25 साल के बाद सफेद हो रहे हैं तो किसी के 50 साल के भी बाद सफेद नहीं हुए हैं। तो ये फर्क क्यों है? क्योंकि जो उसकी यूनिवर्स से ग्रेसिंग पावर है, यानी कि नहीं जो उसकी पावर है कि कितनी वो ग्रहण कर रहा है, कितनी ये ग्रहण कर रहा है, जो ज़्यादा ग्रहण करता है वो उसका शरीर ज़्यादा स्वस्थ रहता है, शरीर से वो ज़्यादा यंग रहता है, और जो कम ग्रहण करता है या जिसकी ज़्यादा डिकेइंग होती है, ज़्यादा बढ़ता है, यानी जो ज़्यादा अपनी एनर्जी को ऊर्जा को गंवाता है, तो वो शरीर में कमजोरी, बीमारी और पता नहीं क्या क्या उसके शरीर में होता रहता है। लेकिन जब आप इस शक्ति को जान लेते हैं, पहचान लेते हैं, इसका प्रयोग करते हैं, तो आपकी बीमारी भी दूर होती है, आपके जो कलेक्टरी उम्र है वो तो बढ़ेगी ही, उसको तो कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन यही जो आपकी शारीरिक उम्र है, यानी कि देखने में और आपको महसूस होने में, ये आपकी नहीं बढ़ती है, ये आपकी वही रुक जाती है जहाँ से आप इसको शुरू करते हैं। खाना पीना इसकी क्यों जरूरत है? क्योंकि आपको एक ऊर्जा की जरूरत है, इन चीज़ों से आपको पांच रुपये मिलते हैं। जैसे कि आप अपने भोजन का चुनाव करते हैं, तो आप क्या करते हो? एक ये सब्जी होनी चाहिए, ऐसे ये दाल होनी चाहिए, ये सूखा है, ये गीला है, ये ठंडा है, ये मीठा है, इस तरह से एक अनजाने में उसका आप कॉम्पिटिशन बनाते हैं। लेकिन एक अनजाने में बना रहे हो, क्योंकि आप अपने बुड्ढों को देखते आ रहे हो, उनको देखते देखते आपने वो ही सीखा है, और उसी में ही आप कॉम्पिटिशन बनाने की पद्धति करते चले आ रहे हो। लेकिन अनजाने में ही आप क्या करते हो? पाँचों तत्वों का आप मिलन करते हो, उन पांचों तत्वों को आप ग्रहण करते हो, और जब उसको आप लेते हो, खाते हो, तो वो ऊर्जा उस पेड़ की भांति आपके पूरे शरीर में विकसित होती है, और वो आपके अंगों प्रत्यंगों तक पहुंचती है और उनको वो ठीक करती है। लेकिन जब आप इस शक्ति का उपयोग करते हो, तो ऑटोमेटिकली आपको ये सारी चीजें प्राप्त होती हैं, और फिर आपकी भूख, हाँ, भोजन की, पानी की, इन चीज़ों की आवश्यकता आपकी कम हो जाती है। क्योंकि ये आवश्यकता किसकी हो रही है? भूख लगेगी तभी तो आप खाओगे ना, भूख ही नहीं लगेगी तो फिर आवश्यकता ही क्या खाने की? भूख कब लगती है? जब आपके शरीर को जरूरत होती है। प्यास कब लगती है? जब आपके शरीर को जरूरत होती है। जब
यदि एक आप नेचुरल ले रहे हो उस परमात्मा से आपका कनेक्शन डायरेक्ट हो गया है, उस यूनिवर्स से उस प्रकृति से आपका कनेक्शन डायरेक्ट हो गया है, तो सब कुछ आपको नेचुरल मिल रहा है, उसमें कोई मिलावट नहीं है, कोई धोखाधड़ी नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ आपको नेचुरल बिल्कुल प्योर मिल रहा है। तो बिल्कुल नेचुरल और प्योर चीज आप ग्रहण करोगे तो आप समझ सकते हो कि आपकी सेहत कहाँ जाएगी। दवाई ना आप खाते हो दवाइयों के साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन तेल आप लेते हो तो इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है क्योंकि नेचुरल है। जैसे कि सांस आप दो बार ज्यादा ले लोगे, जैसे प्राणायाम करते हो तो थोड़ा जल्दी जल्दी करते हो, धीरे करते हो, तो उससे आपको कोई किसी प्रकार का नुकसान तो नहीं होता ना। लेकिन दवाइयाँ अगर आप एक दो से ज़्यादा ले लोगे या एनएल से ज़्यादा ले लोगे तो नुकसान कर जाएगी, या फिर नहीं भी ले रहे हो तो लगातार दवाइयाँ खा रहे हो तो उसके भी साइड इफेक्ट आपके शरीर में होते हैं, एक बीमारी और कई बीमारियों को जन्म देती है। बहुत सी बीमारियाँ ऐसी हैं कि साइंस कितनी भी तरक्की कर चुके हैं अब तक बदलना शुरू हो चुका है, लेकिन फिर भी बहुत सी बीमारियाँ इस प्रकार की हैं कि वहाँ तक साइंस आज भी नहीं पहुँच पाई है। जैसे कि चिंता, क्रोध, अहंकार, आलस, शरीर की कमजोरी, माइंड की कमजोरी, तनाव, डिप्रेशन, सुसाइड करने की एक जो आजकल बच्चों में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है एक प्रवृत्ति, इन चीज़ों का इलाज आज की साइंस के पास कहाँ है? नहीं है। लेकिन जो ये पद्धति आप करने के लिए अभी जा रहे हो इसमें इन सब चीज़ों का भी इलाज है। तन तो आपको स्वस्थ होता ही है, लेकिन तन के साथ साथ मन में भी शांति आती है, मन में भी प्रसन्नता आती है, आत्मा भी आपकी तरफ होती है, क्योंकि वो उसका मिलन भी परमात्मा से, वो भी अपने प्रेमी से मिलना चाहती है, उसका भी परमात्मा से मिलन हो रहा है, तो वो भी आनंदित होती है। तो ये चीजें आपको दवाई खाने से प्राप्त नहीं होंगी। शांति आपके पास कितना भी धन है क्या किसी से छीन सकते हो या खरीद सकते हो? खुशी, प्रसन्नता क्या किसी से छीन सकते हो, खरीद सकते हो? नहीं, ये तो अंदर से आती है। चेहरे पर नकली हंसी और अंदर से मन की हंसी दोनों में फर्क होता है। जब मन शांत होता है तो सब कुछ अच्छा लगता है, मन में प्रसन्नता होती है तो सब जगह हरा भरा लगता है, सब कुछ ये लगता है दुनिया बहुत अच्छी है। लेकिन जब मन में निराशा है, मन अशांत है, तन में रोग है, तो सारी दुनिया, सारा पैसा, सब रिश्ते सब बेकार होते हैं। ये लगता है कि दुनिया में कुछ नहीं रखा, सब कुछ बेकार है, हे ईश्वर कहाँ फंसा गया तुझे, मुझे मैं कहाँ आ गया, मुझसे ऐसा कौन सा काम हुआ था जो इच्छा दे दुख को दिन जन्म में भोगने के लिए मिले। इस तरह के पता नहीं कितने कितने ख्याल मन में आते रहते हैं, लेकिन इन ख्यालों की जगह, इन नकारात्मक सोच की जगह अगर कर्म करो, कर्म भूमि है, इस धरती पर जन्म लिया है तो बिना कर्म के कुछ नहीं होगा। ये पेट भी बिना कर्म के नहीं होता, भाग्य अगर तुम्हारे सामने खाली भी ले आएगा तो भी आपको कर्म करना पड़ेगा, तो भी आपको दिवाला मुंह तक ले जाना पड़ेगा। मान लिया अगर उसने दिवाला मुंह में भी डाल दिया तो उसके आगे का भी कर्म आपको करना पड़ेगा, वो कोई भी करेगा, दबाना पड़ेगा, शरीर को मानों को बचाना पड़ेगा, क्योंकि कर्म तो करना ही पड़ेगा, किस कर्म से तो बिल्कुल बच ही नहीं सकते हो। तो लेकिन चुनाव आपने करना है कि कौन सा कर्म करना है, जिस कर्म से दुख मिले या जिस कर्म से सुख मिले, कौन सा कर्म करना है ये आपका अपना चुनाव है। ईश्वर ने तो आपके आगे रास्ता खोल दिया है, दिखा दिया है कि चुन ले, तुम्हें क्या चुनना है,
अब देख करके और एक बोध पालन की तरह एक अज्ञान पालन की तरह देखा सुना चलो और उस रास्ते को नहीं चलो नहीं चलो कब उस रास्ते पर कर्म नहीं करो तो करने किसके लिए ईश्वर की नहीं फिर ईश्वर को दोष नहीं देना चाहिए तो आपकी करके चुनाव तो आप कर रहे हो दुख भरा रास्ता काटो भरा रास्ता तो आप चुन रहे हो ईश्वर तो आज के युग में भी आपको एक सच्चा मार्ग अच्छा मार्ग दिखा रहे हैं लेकिन उस पर चलना ना चलना आपके हाथ में है जैसे माँ बच्चे अपने बच्चे को जब वो पैदा होता है थोड़ा बड़ा होता है तो उंगली पकड़ करके उसे चलाती है कभी लालच देती है जिसका उसको लालच देता है कभी लालच देकर चलाती है कभी डांट करके चलाती है कभी प्यार से चलाती है कभी उंगली पकड़ाती है लेकिन कर्म तो बच्चे को ही करना पड़ता है कदम तो उसको भी उठा के रखने पड़ते हैं माँ को एक केवल उसकी हेल्प कर सकती है उसकी सहायता कर सकती है उसके रास्ता दिखा सकती है लेकिन चलना तो बच्चे भी नहीं है अगर उस उम्र में बच्चा नहीं चल पाता तो सारी जिंदगी नहीं चल पाता सारी जिंदगी भी दौड़ पाएगा सारी जिंदगी नहीं चल पाएगा तो ऐसे ही आप भी ये समझना चाहिए कि वो बच्चा हर साल हर समय हर चीज के अंदर है आपके अंदर है क्योंकि हर पल हर समय हर दिन हर साल आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सीखना होगा अगर ये समझ लो कि मुझे मेरे को इतने उम्र आ गई या मेरे अंदर तो इतनी बुद्धि है तो मेरे पास तो सब कुछ आ गया मेरे पास तो पूर्ण ज्ञानी हो गया तो उससे बड़ा माना मोह तो और कोई नहीं है क्योंकि पूर्ण ज्ञानी तो कोई नहीं हो सकता क्योंकि ज्ञान अनंत है उसका तो अंत ही नहीं है जितना भी ज्ञान ले सकते हो जहाँ से ले सकते हो वो लेना चाहिए जितना कर्म कर सकते हो उतना कर्म करना चाहिए हाँ ये अपना जरूर रोज रात को सोचना चाहिए कि मैंने कौन सा कर्म अच्छा किया यानी कि तीन प्रकार के कर्म होते हैं तमो रजो और सतो ये तीन गुणों से प्रभावित होकर के व्यक्ति कर्म करता है तब वो थोड़ी यानी कि अंधकार में जो भी उसको गिराते हैं नकारात्मक होते हैं जो भी उसके बंधन बनाते हैं रजोगुण यानी कि जिसकी वो फल की चिंता करता है जैसे व्यापार में आप करते हैं कि मैं ये करूँगा तो मुझे ये मिलेगा अगर ऐसे ही कर्म आप कर रहे हो हर जगह क्योंकि व्यापार तो कर रही है व्यापार में तो आपको ये करना ही पड़ेगा लेकिन हर जगह अगर आपके ऐसा रजोगुण वाला भाव रखते हो कि मुझे हर जगह भी फल मिले तो वो भी आपको जीवन में हर समय सुख नहीं देगा वो तो क्षणिक सुख होगा परमानेंट नहीं होगा जो सतोगुण है जिसमें कि फल की इच्छा नहीं होती दूसरे का किसी प्रकार का नाश नहीं होता दूसरे को नुकसान पहुंचाने की इच्छा नहीं होती दूसरे को नुकसान पहुंचाने के भाव से कर्म नहीं किया जाता ऐसे गुण सतोगुण में आते हैं उनके फल मिलते हैं लेकिन हमेशा के लिए मिलते हैं और परमानेंट मिलते हैं तो अपना अवलोकन व्यक्ति अपने आप कर सकता है कोई दूसरा बताएगा तो वहां भी उसका इनकार उसके आगे आ जाएगा कि मुझे इतनी बुराई बताने वाला तो कौन है या फिर उसमें आप ये कह देते हो वो मेरी बुराई कर रहा वो तो मेरा दुश्मन है मेरी बुराई ही करता रहता है वहाँ आप ये नहीं सोचते हो कि हाँ वो दुश्मन नहीं है आपका वो आपके अंदर जो कमी है वो आपको वो बता रहा है आप उस कमी को दूर करोगे तो आप एक अच्छे व्यक्ति बनते चले जाओगे उसको अपना दुश्मन मत समझो जो कमी बता रहा है वो आपका सबसे बड़ा मित्र है क्योंकि वो आपकी कमी को दूर कर रहा है तो हो सकते हैं आपका अवलोकन करो
रात को करो तो फिर रात में पूरे दिन का कर्म करके आए हुए होते हो, ताजा ताजा दिमाग में होता है। तो अपने आप को सोचो कि मैंने क्या कर्म किया, कौन सा सतगुण में किया, कौन सा रजोगुण में किया और कौन सा तमोगुण में किया। अपने आप को सुधारने की चेष्टा करो, कौन से मुझे व्यापार है, लेन देन है, वहाँ तो रजोगुण करना ही पड़ेगा। वहाँ अगर सतगुण करोगे तो जीवन यापन करने के लिए धन कहाँ से लाओगे, वो भी जरूरी है, क्योंकि और किसी जीव को जरूरत नहीं है लेकिन इंसान को धन की आवश्यकता है। जीवन यापन करने के लिए, इस समाज में मान सम्मान प्राप्त करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बहुत से इंसान के कार्य ऐसी हैं जहाँ की धन की आवश्यकता है। और अर्थात या परमात्मा ये नहीं कहते कि धन नहीं होना चाहिए, नहीं तो लक्ष्मी की, कुबेर की, महालक्ष्मी की, इनकी पूजा ही नहीं होती, ब्रह्मांड की ही होते ही नहीं, वो है। इसीलिए परमात्मा ये कहते हैं कि पूजन करो, मानो, लेकिन हर एक चीज को बैलेंस करके, संतुलित करके। और अपना इंसान सबसे बड़ा दोस्त भी अपना ही है और सबसे बड़ा शत्रु भी अपना ही है। बाहर का कोई ना उसका सबसे बड़ा दोस्त हो सकता है और ना दुश्मन हो सकता है। तो इसलिए अपने आदतों पर, अपने आप करो, डेली करो कि मैंने क्या खोया, क्या पाया, क्या गलत किया, क्या सही किया, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। डेली अपने आप को बतोगे, इसको मनन कहते हैं, मंथन कहते हैं। डेली अपने आप को मथोगे तो अपने आप मक्खन निकल कर चला जाएगा, अपने आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाओगे, अपने अंदर की गंदगी बाहर निकल के चली जाएगी, जो कि आप रोज हर पल हर घंटे इकट्ठे करते रहते हो, एक दूसरे से मिलते हो, जुलते हो, इधर उधर आते जाते हो, एक दूसरे के गुण इकट्ठे नहीं करते हो, एक दूसरे की गलत बातें इकट्ठे करते हो, नकारात्मकता इकट्ठे करते हो, इकट्ठे करते हो। अगर दूसरों के एक एक गुण भी देखो और उसको अपने अंदर इकट्ठा करो तो आप एक उस भूखे की तरह खिल जाओगे, जिसको कि देखना, घर में रखना अच्छा लगता है। और आप बुराइयां देखते हो तो क्या है, वो एक कांटों का चुनाव कर रहे हो तो अपने घर में क्या आप कांटों वाले आप भूखे रखना पसंद करोगे, कोई नहीं करेगा, हाथ खून निकल जाएगा, जख्म हो जाएगा। ऐसे ही जब आप अपने आप को देखते चले आ रहे हो इतने समय से, इतने सालों से, अपने आप को ही, कोई दूसरा आपको नहीं दे रहा, आप स्वयं को ही दे रहे हो, खुद ही कांटों की झाड़ियां इकट्ठे कर रहे हो, बुके नहीं इकट्ठे कर रहे हो, फूल नहीं इकट्ठे कर रहे हो, कांटों की झाड़ियां इकट्ठे कर रहे हो, तो इन कांटों की झाड़ियों को अपने निकालो। दूर है तो घर में सजाना, आपको कांटों की झाड़ियां पसंद नहीं है तो अपने इस अनमोल शरीर में क्यों रखते हुए हो, अपने इस अनमोल मन में क्यों रखते हुए हो। घर में तो आप रखना पसंद नहीं करते लेकिन अपने इस मन में, शरीर में रखना आपको बहुत अच्छा लगता है, तो इसको निकाल लो। अभी आपका अंतःकरण का शुद्धिकरण होगा, यानी कि इनर प्यूरिफिकेशन होगा। इनर प्यूरिफिकेशन इसलिए होगा क्योंकि हर चीज की आप सफाई करते हो, पूजा अर्चना पाठ कुछ भी करने के लिए बैठते हो, नाना दुर्गत पे बैठते हो, उस जगह को भी एक तरह से साफ कर लेते हो, लेकिन अंतर को आपने किससे साफ किया, बाहर को आपने साबुन से, पानी से, कपड़ों को, जगह को, सबको आपने साबुन पानी से, पोचे से, सबसे अच्छी तरह से साफ कर दिया, लेकिन अपने अंतर को किस चीज से साफ किया, उसका तो कोई साबुन नहीं है,
कोई पानी नहीं है, कोई कपड़ा नहीं है, किससे साफ करोगे? वो भी साफ करना जरूरी है। जैसे शरीर को नहा धो करके बैठे हो, जगह को आप नहा दो, जगह को आपने साफ किया है, शरीर कपड़े जो आपने पहने हैं वो भी धुले हुए पहने हैं, तो फिर अपने अंतर की सफाई को नहीं करें, जिसमें कि ईश्वर बैठेगा, उसकी शक्तियाँ बैठेंगी तो उस आपके अंदर ही बैठेगी, आपके वस्त्रों में नहीं बैठेगी, आपके उस स्थान पर नहीं बैठेगी, आपके अंदर बैठेगी। तो अंतर की सफाई तो सबसे ज्यादा जरूरी है। बाहर का आपका वस्त्र मैला हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप नहाए हो नहीं नहाए हो कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क कहाँ से पड़ता है? आपके अंतर से। अगर अंतर साफ है तो सब कुछ साफ है, अंदर मैला है तो आप नहीं हो सकते, अभी आप उछले हो तो सब बेकार है। तो अभी आपका तरीका अंतर चरण का शुद्धिकरण, अंदर की सफाई, अंदर की सफाई आपकी जो भी साबुन है, तेल है, पानी है, आपका कपड़ा है, जो भी है वो है भजन। भजन के जो शब्द है, आंख बंद करके आपके उन शब्दों में जुड़ जाना है, उन शब्दों को अपने दिल से आपने निकालना है, आपने सोचना है कि शब्द मेरे मन के हैं, दिल के हैं, मेरे अपने हैं, ये आपने भूल जाना है कि यहाँ मेरे अलावा कोई और बैठा है, बस ये महसूस करो कि मैं हूँ और वो है और कोई नहीं है। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं सबको भूल जाओ, कोई नहीं है आपके अलावा। जैसे आप शरीर को साफ करते हो, आप वस्त्र को साफ करते हो, जगह को साफ करते हो, तो उसमें साबुन आप जो भी पानी लगाते हो अच्छी तरह से लगा करके अच्छी तरह से रगड़ते हो ना, और अगर पुराना हो जाए बहुत पुराना तो उसको साबुन बहुत देर तक रगड़ना होता है, उसको भिगोना भी होता है थोड़ा सा हल्के से गर्म पानी में, जिससे कि अंदर तक का मैल निकल जाए। तो आपने तो पता नहीं कितने सालों की लगती अपने अंदर, कुछ महीनों की भी नहीं है, पता नहीं कितने सालों की है, कितने जन्मों की पता है। तो इसलिए आपने उसको बिल्कुल अंतर तक, जहां तक भी आप ले जा सकते हो उसको ले जाओ। जो भाव आते हैं मन में जब आप इसको अंदर तक लेकर के जाओगे, तो वहां जो भी बैठा हुआ है वो तो बाहर निकलेगा, जो भी आपने अपने अंदर दबा रखा है वो बाहर निकलेगा। आपका जो भी मन करता है, हंसने का, गाने का, मारने का, बोलने का, रोने का, जो भी मन करता है उसको आपने रोकना नहीं है। जैसे आप कपड़े को धोते हो तो उसमें से जो मन निकलता है उसको क्या आप रोक देते हो? नहीं रोकते हो ना, रोकोगे तो क्या होगा? कपड़ा साफ ही नहीं होगा। जैसे ही आपके अंदर है, अगर जो निकल रहा है उसको आप रोकोगे तो वो वापस अंदर ही रहेगा और आपकी सफाई होगी ही नहीं, और जब सफाई नहीं होगी तो वो जो आपकी अभी फीलिंग रहेगी वो आपकी पूर्ण रूप से आपकी बीमारी निकलेगी ही नहीं। बीमारी कब निकलेगी? जब अंदर से पूरी तरह से आपका शुद्धिकरण होगा, आप निर्मल हो गए, साफ हो गए। और निर्मल साफ होने का बिल्कुल आसान तरीका है, कुछ नहीं, आंखें बंद कर रही हैं, भजन कर रहे हैं, उसमें अपने आप को छोड़ देना है। जैसे नदी बहती है, नदी के साथ अपने आप को छोड़ दो, आप अपने आप तैरना सीख जाते हो, अपने आप निकल जाओगे, अपने आप पार कर जाओगे। ऐसे ही आपने भी इसमें भी आंखें बंद करनी है और उसमें शब्दों में, चाहे वो किसी भी देवी देवता के हैं, आपको ये समझे परम शक्ति तो एक ही है, आपके इष्ट है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके जो भी कुछ हैं आपके अपने उन्हीं के लिए हैं और उन्हीं के ही चरणों में समर्पित हैं। उसमें उसके बाद आप आंखें नहीं खोलोगे, फिर सब आप लोगों की हेल्प होगी,
जो भी आपकी बीमारी होगी आप वहाँ पर जो कराया जाएगा आप उसी तरह से करते रहोगे। किसी को कुछ समझ में आता है या नहीं आता है कोई फर्क नहीं पड़ता, वो काम हमारा है। शुरू करते हैं, अपनी ध्यान की मन कर लें और जब तक आदमी खुलने के लिए ना पाया जाए तब तक आप आंखें ना खोलें। आंखें में जो खोलेगा उसे किसी प्रकार का लाभ नहीं होगा, इसलिए अपने ही फायदे के लिए आप अपना समय भी लगा रहे हो और उम्मीद से भी आए हो तो पूरा लाभ उठाओ। आंखें बंद आप रखें, जब तक ना आया तब तक आप ना खोलें।